ये एक वयस्क पेशेंट हैं जो आज करीब कई महीनों के बाद बताएंगे अपना किस्सा है। कुछ महीनों के बाद इसमें देखिए, कई महीनों के बाद आज दिखाने आए हैं मुझे रिव्यू के लिए सिर्फ। तो ये अपनी आप बीती बताएंगे कि इनको क्या परेशानी थी, कब मेरे पास आए थे, क्या समस्या थी इनको और किस तरह से इनको इनकी समस्या से छुटकारा मिला। इसमें मेरी क्या भूमिका थी और मेरे अर्थराइटिस रिवर्सल प्रोग्राम की क्या भूमिका थी और इनकी और इनके परिवार की क्या भूमिका थी, ये सब समझाएंगे आपको। मैं माइक इनके हाथ में दे रहा हूँ, अपनी बीती खुद ही सुनाएंगे। मैं इनके मुंह में अपने कोई शब्द नहीं डालूंगा, जो इनको बोलना है बोलेंगे। प्लीज। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं मझला मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र इस समय 64 ईयर्स है। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मेरे घुटनों में करीब सर इधर देखिए, हाँ, मेरे घुटनों में 5-6 साल से दर्द था। धीरे धीरे पहले जीना चढ़ने में होता था, फिर पूरे मतलब चलने फिरने में भी होने लगा। और घुटनों के दर्द की वजह से मैंने इनका फेसबुक पे वीडियो देखा, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने मुझे कई सारी एक्सरसाइजें बताई और कुछ दो पेज पर लिख के भी दिया, प्रिंटेड दिया कि आपको 5-6 लीटर पानी पीना है, आपको अंकुरित अनाज खाना है, आपको दूध या दूध से निर्मित कोई चीज़ें नहीं लेनी है। इस तरह से मैंने इनकी सभी बातों को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद मैंने 2 घंटे पर डे सारी एक्सरसाइजें की इनके द्वारा बताई हुई। धीरे धीरे परिवर्तन आया, पहले स्वेलिंग के 2 इंजेक्शन लगाए दोनों एक एक घुटने में, उसके बाद 2 इंजेक्शन और लगाए इन्होंने। कितने दिन के बाद? 1-1.5 महीने बाद, जब मैं थोड़ा चलने फिरने लगा था अच्छी तरह, तब इन्होंने 2 महीने बाद वो 2 इंजेक्शन और लगाए थे चिकनाई के लिए। उसके बाद फिर मेरी चाल कुछ नॉर्मल होने लगी। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे जूतों में सोल लगवाने के लिए रिकमेंड किया, तो मैंने यहीं सरता बिहार में मोची से दोनों जूतों में और चप्पलों में सोल लगवाए। उसके बाद मेरी मिसेज वेट लटकाती थी मेरे पैरों में और बाकी एक्सरसाइज मैं खुद करता था। करीब 2 घंटे पर डे एक्सरसाइज करने के बाद 6 महीने बाद मुझे अच्छी तरह चलने फिरने लगा, रिलीफ मिली। अब मार्च से मैंने सारी दवाएं बंद कर दी हैं। कितने महीने हो गए दवाएं बंद किए हुए? करीब 6 महीने हो गए, मार्च से लेके सितंबर तक मैंने अभी तक कोई दवा नहीं खाई है। समस्या कैसी है? समस्या लगभग नॉर्मल है, 90% मैं सही हूँ, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती अब, और जीना बीना भी चढ़ जाता हूँ आराम से जी। मैं अपने जीवन का पूरा कार्य करता हूँ, साइकिल भी चलाता हूँ, स्कूटी भी चलाता हूँ, फोर व्हीलर भी चलाता हूँ, मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी दवाएँ टोटल बंद हैं, कभी कभी 1-15 दिन में कभी पेन हल्का सा होता है तो पेन किलर ले लेता हूँ। ये एक्सरसाइज कैसी कर रहे हैं? एक्सरसाइज सभी कर रहा हूँ, करीब 1.5-2 घंटे डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ सुबह। उससे कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं, एक्सरसाइज से क्या नुकसान होना है, आराम ही मिलता है। परिवर्तन को और डिटेल में समझाइए। हाँ, खाने में परिवर्तन जरूर हो गया है कि मैं सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज लेता हूँ, दाल चना ये अंकुरित लेता हूँ, और उसके बाद हल्का खाना दलिया वलिया लेता हूँ, उसके बाद दोपहर को 2 रोटी 1 सब्जी दाल लेता हूँ, शाम को कोई दाल नहीं लेता, दही नहीं लेता, रायता नहीं लेता, केवल हल्का खाना दलिया या खिचड़ी लेता हूँ। ऐसा करने से कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, 5-6 लीटर पानी जरूर पीता हूँ बस। तो ऐसा खाना करने से कोई स्वास्थ्य में कोई हानि नहीं है, वेट एकदम नॉर्मल हो गया है। वेट में कितना परिवर्तन हुआ? 4 kg वेट कम हुआ बस जी। इस समय 65-6 वेट है मेरा। जब आए थे तब कितना था? करीब 69 या 70 के लगभग था। ठीक, तो आपको ये सब चीज़ें अपनाई, अब सब दवाएं भी बंद हो गई, और कुछ कहना है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अगर आपके अंदर सामर्थ्य है एक्सरसाइज करने की तो बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्टर साहब सही सलाह देते हैं, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई अंग्रेजी दवाओं का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता,
कोई अदर अंग इफेक्टिव नहीं होता, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपके अंदर फुर्ती रहेगी अगर आप खाने पीने में परिवर्तन लाएंगे तो। आपको शुरू में घुटना बदलने की सलाह दी गई थी, अब आप घुटना बदलवाने की सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं सोचता। घुटना बदलवाएंगे आप? ना, बिल्कुल नहीं बदलवाऊंगा। तो पहले तो यही सलाह दी गई, क्यों बदलवाऊंगा जब मैं चल रहा हूँ, सही चल रहा हूँ तो क्यों बदलवाऊंगा? डाइट और एक्सरसाइज करते रहेंगे, बचे रहेंगे। हाँ, अब तो उम्मीद हो गई है पूरी कि अब तो मैं होल लाइफ बचा ही ले जाऊंगा। बचा ले जाएंगे, बचा ले जाएंगे। और भी मेरे अंग स्वास्थ्य में लाभ मिला है मुझे। क्या मेरे, क्या मिला है? मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता था, वो भी नॉर्मल हो गया। बीपी मेरा हाई रहता था, बीपी लगभग दवा करीब 6 महीने से बीपी की दवा छूट गई मेरी। डायबिटीज में भी दवा कम हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह छूटी नहीं है। तो दवा लेता हूँ डायबिटीज की अभी, लेकिन कम होगी उसकी जो क्वांटिटी थी वो कम होगी। पहले 850 mg लेता था, अब 500 mg लेता हूँ। अगर आप रोलिंग एक्सरसाइज मिला देंगे इसके अंदर तो आपकी डायबिटीज की दवा 100% बंद हो जाएगी। क्या 30 साल की उम्र में आपको डायबिटीज थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मेरी डायबिटीज करीब 60 के बाद हुई है। यदि आप नॉर्मल पैदा हुए हैं और 30 साल तक आपको वो बीमारी नहीं है तो भगवान की इच्छा नहीं है, वो आपकी खुद की इच्छा है कि मुझे डायबिटीज़ हो जाए, मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए, मुझे थायराइड हो जाए। आप अपनी इच्छाओं को चेंज कर दें, आप जो बेहूदी का खाना है वो बंद कर दें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें और रोलिंग एक्सरसाइज करें, डायबिटीज़ 1 महीने में गायब हो जाएगी। पर वही खाएं जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, आपकी जबान को ज़रूरी नहीं है। संतुलित भोजन करें जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर, वही ना जो शरीर को ज़रूरी है। जवान के टेस्ट को भूल जाएं तो डायबिटीज़ बीमारी नहीं होती है, थायराइड बीमारी नहीं होती है, हाइपरटेंशन बीमारी नहीं होती है, ये सब, और मोटापा बीमारी नहीं होती है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं। लाइफस्टाइल चेंज कर ली, बीमारी आ गई, लाइफस्टाइल फिर चेंज कर लीजिए, ये बीमारी नहीं रहेगी। इन बीमारियों को WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बीमारियों की लिस्ट से 50 साल पहले ही हटा दिया गया है। ये बीमारियां नहीं हैं। टाइफॉइड बीमारी है, मलेरिया बीमारी है, डेंगू बीमारी है, ये बीमारियां नहीं हैं। ये आपकी जवान का करामात है। 1.5 इंच को खुश रखेंगे, 1.5 मीटर कष्टों में रहेगा, और 1.5 मीटर को खुश रखेंगे तो 1.5 इंच की जवान खुश में रहेगी। या तो गर्लफ्रेंड को खुश कर लो 1.5 इंच की, या 1.5 मीटर की बीवी को खुश कर लो, दोनों एक साथ खुश नहीं रह सकती। तो आपको शरीर खुश करना है या जवान खुश रखनी है, ये आपका ऑप्शन है। तो आप एक एयर, मेरी रोलिंग एक्सरसाइज ऐड कर दीजिएगा, एयर बैग ऐड कर दीजिएगा, और डाइट चार्ट को और ईमानदारी से फॉलो करिएगा, आपको 100% डायबिटीज 1 महीने बाद आपकी दवाएं बंद हो जाएंगी। एयर बैग तो इस्तेमाल करता हूँ, एयर बैग का इस्तेमाल करता हूँ मैं। रोलिंग एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं की ना आपने बताई मुझे, अब रोलिंग एक्सरसाइज में बता दूंगा, डायबिटीज खत्म हो जाएगी। चलिए, और अच्छा है, ठीक है। अब मैं रोलिंग एक्सरसाइज बता देता हूँ आपको, अभी आपको मेरे करीब 8 वीडियो हैं, मैं अभी 8 वीडियो आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, करिए, और अभी आप आए हुए मैं सिखा देता हूँ, ठीक। तो मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरतावया, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 0114243006। मेरा मानना है भगवान ने अगर आपको नॉर्मल घुटने देके पैदा किया है और 30 साल तक घुटने नॉर्मल रहे हैं तो 100 साल तक नॉर्मल घुटने के साथ रहने के लिए पैदा किया है। भगवान की इच्छा नहीं है घुटने आपके खराब हों, ये आपकी खुद की इच्छा है। मैं ऐसी हजारों महिलाओं को जानता हूँ, पति ने स्टूल ला के रख दिया किचन के अंदर, वो स्टूल पर नहीं बैठती हैं, स्टूल में मैले कुचले कपड़े पड़े रहते हैं, खड़े होकर खाना बनाती रहती हैं, फिर रात को पति का दिमाग खराब करती हैं, हाय हाय मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये तो सर नहीं चलेगा, ईमानदारी तो करनी पड़ेगी। आप घुटनों के प्रति उतनी ईमानदार हो जाइए जितना अगर आपको हार्ट अटैक होगा तो ईमानदार होंगे, और घुटनों को हार्ट का दर्जा दे देंगे, कमर को हार्ट का दर्जा दे देंगे तो मेरी गारंटी है 1 सप्ताह के अंदर आपका दर्द दूर हो जाएगा। आप 100% ईमानदार तो बनिए। हर घुटने के दर्द का मरीज अपनी घुटने युक्त दर्द टांग को डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आगे बढ़ा देता है, डॉक्टर को उल्टा सीधा डॉक्टरी पढ़ाने लगता है, और जब हार्ट अटैक पड़ता है तो डॉक्टर की सब बात मानता है। तो घुटने कमर दर्द में भाई काहे टांग अड़ा रहे हो, डॉक्टर की बात वहां भी मान लो।
तो एक सप्ताह के अंदर मुक्ति पाओ। ठीक है, धन्यवाद।